मेरे प्यारे बच्चों, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, कार्बन की नंबरिंग करेंगे। किधर से करेंगे? मान लीजिए इधर से अगर कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से एल्काइल ग्रुप ये पड़ रहा है, इस कार्बन को हमने गिनती नहीं दी तो ये बन गया साइड चेन, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। CH3 है तो बोलते हैं हम लोग मिथाइल, और CH2 CH3 है, दो कार्बन है तो बोलेंगे हम लोग इसको एथाइल। इधर से गिन रहे हैं तब भी ये तीसरे पे पड़ रहा है। अगर मान लीजिए इसकी नंबरिंग हम लोग इस साइड से करें तब भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। तब भी इधर किधर से पड़ा? तीसरे पे। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये मिथाइल है, ये एथाइल है, हम लोग किधर से काउंट करें? तो देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे हम लोग। एथाइल में ई आता है जो कि ABCD में अल्फाबेट में पहले आता है, तो हम लोग काउंट किस साइड से करेंगे? इस साइड से काउंट करेंगे, ठीक है, किधर से एथाइल नजदीक पड़ेगा। तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है, नाम के लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एन। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो नाम के लास्ट में जोड़ते हैं एन, तो नाम हो जाएगा इसका हेप्टेन। अब देखिए तीसरे पे क्या लगा हुआ है? एथाइल, तो आगे लिखेंगे हम लोग 3- यानी हाइफन एथाइल, फिर हाइफन नंबर और वर्ल्ड के बीच से था हाइफन, इसलिए हाइफन लिख रहे हैं। पांचवें पे लगा हुआ मिथाइल तो लिखेंगे 5, फिर हाइफन मिथाइल और हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम।